ये देखिए दोस्तों, हम लोग चॉकलेट बार घर में बनाएंगे। टेस्टी लग रही है ना? मैं आपके साथ कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं बता रहा हूँ। बिस्किट वगैरह पीस कर एकदम टेस्टी आइसक्रीम बनेगी। असली दूध वगैरह से बनाएंगे। और वैसे इसमें जो वो व्हिपिंग क्रीम आती है ना केक वाली, वो यूज़ नहीं कर रहे दोस्तों। एकदम परफेक्ट आइसक्रीम बनेगी फिर भी। और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? ये वाली जो आइसक्रीम की रेसिपी है, ऐसा नहीं है कि बनाते साथ 2-3 मिनट में पानी पानी होने लग जाएगी। एकदम स्टेबल रहती है, जैसी बाजार की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो ये रेसिपी बनाना तो ज़रूर बनता है। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी बाइट निकल रही है इसकी। मैंने जब खाकर आपको ये सीन दिखाया, बढ़िया है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें मैं डाल रहा हूँ दूध। दूध की क्वांटिटी 500 ml है और आप ये आधा लीटर दूध से 8 चॉकलेट बार आराम से बना सकते हो। चॉकलेट बार में एकदम स्मूथ और क्रीमी टेस्ट के लिए, टेक्सचर के लिए क्रीम डालेंगे। इसमें फ्रेश क्रीम लेनी है 100 ग्राम। मेरे पास फ्रेश वाली नहीं थी तो मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज़ करी है। अब बस इसको स्टर करेंगे और फिर मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हीट करना है, लेकिन बॉईल नहीं होने देना है दोस्तों। एक बोल में मैं यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर ले रहा हूँ। ये कोको पाउडर में चीनी नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ में हम लोग डालेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च, अरारोट या कॉर्नफ्लावर 1 छोटा चम्मच। कॉर्न स्टार्च से स्टेबिलिटी आती है, मतलब हम लोग की जो आइसक्रीम है ना वो बहुत जल्दी नहीं पिघलती है और अपना टेक्सचर मेंटेन कर रखती है। दूध हम लोग का गर्म हो रहा है तो ये गर्म गर्म दूध हम लोग अपने कॉर्न स्टार्च और कोको पाउडर के साथ मिक्स करेंगे। ये मैंने 4 कड़छी निकाले हैं। गर्म दूध में कोको पाउडर के लम्ब्स आसानी से मिक्स हो जाते हैं। फिर से बता देता हूँ, मैंने 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च। ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया। एक बार दूध को चला लेते हैं और फिर ये कोको पाउडर का मिक्सचर मिला देंगे इसमें। शुरू में अच्छी तरह मिक्स करना है दोस्तों इसको। मिक्स करने के बाद एक बार हम लोग इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी ये मैंने 1/2 कप ली है, मतलब 100 ग्राम्स। और फिर अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते हुए बॉईल लेकर आना है। एक बार इसमें बस बॉईल आ जाए फिर बस लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट हीट करेंगे या सिमर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ये दूध के मिक्सर को पूरा करने देना है आधे घंटे तक। बस 2 से 3 मिनट हीट करिए लो फ्लेम पर और फिर हम लोग इसमें डाल देंगे चॉकलेट। चॉकलेट के बिना वो मज़ा नहीं आता यार, असली चॉकलेट टेस्ट मिलेगा आपको चॉकलेट डालेंगे तो। ये बस 50 ग्राम मैंने ली है। इसमें डालकर लो हीट पे मिक्स करेंगे। इसमें डार्क चॉकलेट या कंपाउंड या डेरी मिल्क वाली बोर्नविले कुछ भी ले सकते हैं, इसके बिना वो मज़ा नहीं आता। चॉकलेट अच्छी तरह स्टर करने के बाद ये देखिए आप, इसमें क्या शीन आई है, एकदम मस्त लग रहा है ये। बस फ्लेम का ध्यान रखिएगा, हम लोग को लो रखनी है। अभी आप देख सकते हो टेक्सचर परफेक्ट लग रहा है। मैंने इसको 2 मिनट और चलाया है चॉकलेट डालने के बाद। कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है और अपनी स्पून में भी ये कोट हो रही है पूरी। अब बस गैस बंद कर इसको पूरा ठंडा करेंगे। ये मैंने 1/2 घंटा ठंडा किया है दोस्तों और इसमें ऊपर पपड़ी आ गई है तो एक बार इसको मिक्स कर लेता हूँ। ये अपना चॉकलेट बार आइसक्रीम का मिक्सचर पूरा रेडी है। ठंडा करने के बाद भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रहेगी, आप देख सकते हो। चलो अब बार सेट करने के लिए ये मैंने पॉप्सिकल मोल्ड लिया है। ये डायरेक्ट डालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो एक जग में मैं इसको निकाल रहा हूँ, मतलब अपना चॉकलेट मिक्सचर को एक जग में निकाल रहा हूँ और फिर हम लोग ये पॉप्सिकल मोल्ड में फिल कर देंगे। स्पिल वगैरह नहीं होता है दोस्तों, ऐसे करछी से डालते तो बहुत प्रॉब्लम आती है। अपने जग ने आसानी से ये काम कर दिया। ये मैंने एक बार के लिए 6 फिल कर दिए। इसमें ढक्कन लगा देते हैं, ढक्कन में स्टिक वाला पार्ट भी है। और फिर इसको आप फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ करना है हम लोग को इसको कम से कम 8 घंटे के लिए फुल सेटिंग में, मतलब जो भी हाईएस्ट सेटिंग है ना फ्रीज़र में। ये वाली फ्रीज़र में मेरी -24 है तो मैंने उसी में सेट किया है। 6 और 2 ये 8 पीस 8 घंटे के लिए आप फ्रीज़ करने देंगे। 8 घंटे बाद या फिर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जब भी आपको खाने का मन हो, पहले आप एक बोल में ऐसे पानी निकाल लीजिए। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, थोड़ा डीप बोल लीजिए। और फिर अपने आइसक्रीम के मोल्ड को इसमें डुबाएंगे। ये काम आप डायरेक्टली नल के नीचे भी कर सकते हो पानी को खोलकर, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होता है। अभी हम लोग पूरे मोल्ड को पानी में डिप कर रहे हैं ताकि बाहर की लेयर जो है ना बार की, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप बिना ये काम करे निकालेंगे तो हाथ में स्टिक आ जाएगी, अपनी आइसक्रीम मोल्ड के अंदर ही रह जाएगी। चलो बातें बहुत हो गई, निकाल लेते हैं अपने आइसक्रीम। अरे वाह, देखिए कितना मस्त टेक्सचर आया है।
कैसी लगी आपको? मस्त है ना? अगर आप चॉकलेट के 10% भी दीवाने हो ना, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। नॉर्मल चोकोबार में तो बाहर बाहर चॉकलेट होती है, अंदर में उसमें वनीला आइसक्रीम होती है। ये वाली रेसिपी में अंदर बाहर चारों तरफ आपको एकदम इंटेंस चॉकलेट का फ्लेवर मिलेगा। मैं आपको खा के भी दिखाता हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए, वैसे ये 7 से 8 मिनट बाहर रखने के बाद है, निकालने के बाद फ़ोटो वगैरह खींच रहा था ना, तो आप देख सकते हो चॉकलेट बार एकदम भी मेल्ट नहीं होती है जल्दी से, अपना टेक्सचर मेंटेन कर कर रखती है। और बाइट आप देखिए कितना परफेक्ट आ रहा है ना? कैसी लगी रेसिपी दोस्तों? हम लोग ने इसको थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च के साथ स्टेबलाइज किया तो एकदम परफेक्ट बनती है, क्रीमी लगती है खाते टाइम, स्मूथ लगती है। अगर आपको थोड़ी दरदरी पसंद है जैसी कुल्फ़ी की होती है, तो वैसे भी एक रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर से बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन, नहीं तो डिसलाइक बटन। बाय बाय।